हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू सी दिस प्लेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हाय माय सेल्फ मौसमी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले ही बोला था कि ये है मयूरी की शादी का सीरीज़। यस, तो आज है उसकी शादी का दिन। एंड मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, ब्रश कर लिया है, पर अभी रूम बहुत मैसी है, क्लीन करना है और सुबह के 10 बजे तक मुझे उसके घर तक पहुँचना है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट टुडे। तो मैं आपको मेरी मेहंदी की कलर दिखवा देती हूँ। दिस इज़ द माई मेहंदी डिज़ाइन एंड दिस इज़ द कलर। आई थिंक इस हैंड पे ज़्यादा तो नहीं आया है, लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो कलर आ गया है। एंड कैन यू सी माई नेल्स? यस, फोकस कर ले बेटा, वेट, दिस इज़ माई नेल्स। ये मैंने खुद ही करा है घर में बैठे बैठे। सुपर एक्साइटेड फॉर टुडे। आज क्या क्या होता है, क्या ना होता है, ये सब आप सब देखेंगे मेरे साथ। सो लेट्स गो। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये वाइट बिल्डिंग के बाजू में जो बिल्डिंग है वहीं पे हो रही है मयूरी की शादी। एंड ये मेरे घर के मेन रोड के एकदम पास ही है। दिस इज माई बालकनी, यहाँ से मैं खड़ी होके देख रही हूँ। और एक मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे मेरी भी शादी हुई थी, तो मयूरी से मेरी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है टिल नाउ। और शादी का दिन भी, उसका भी 27, मेरा भी 27, उसका 27 नवंबर और मेरा जनवरी में हुआ था। वेन्यू हमारा सेम है एंड या बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है उसके साथ। बचपन में अंकल बोलते थे कि शायद मैं और वो पिछले जन्म के बहने थे, तो सो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। सो चलो पहले टी करके खा लेती हूँ। बिना टी के तो मेरा इंजन चालू नहीं होता, तो लेट्स मेक टी टुगेदर। तो मैंने यहाँ पे चाय की पैन बिठा दिया है और बाहर अभी सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हाय, तो मैं नहा के आ गई हूँ। तो मैं ये वाला साड़ी पहनूँगी, दिस इज़ इन येलो एंड रेड। तो इस साड़ी को हमारे बंगाल में तसर तात कहते हैं। तो ये मेरी शादी का साड़ी है, तब उस वक्त मैंने ख़रीदा था, शायद एक ही बार मैंने पहना है इसे, तो आज मैं वो पहनूँगी। और यहाँ पे ऑलरेडी 9:25 हो रहा है और मुझे 10 बजे तक वेन्यू में पहुंचना है। पता नहीं कब तक कैसे होगा। तो विदाउट एनी ब्लबरिंग लेट्स गेट रेडी गाइस। तो मेकअप करने में बैठ गई हूँ, एकदम सिंपल लाइट रखूँगी क्योंकि एज़ यूजुअल डे का टाइम है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और बहुत गर्मी बहुत है, पसीना हो जाएगा, स्वेट आ जाएगा और रात में भी स्पेशल लुक करना है। सो अभी सुबह से ही अगर बेस बहुत हेवी हो जाएगा तो आई थिंक डिफ़िकल्ट होगा। सो लाइट वेट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो मैं निकल पड़ी हूँ, आपको मैंने अपना फुल लुक अभी तक नहीं दिखाया है, वहाँ जाके दिखाऊंगी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइटिंग लगा हुआ है, दिस इज़ द वेन्यू। तो ये सामने वाला दीपू है, वहाँ पे हमारी ब्राइड है। पे सब कुछ स्टार्ट हो गया है, पीछे मैं भी बैठी हुई है। तो हमारे यहाँ पे विधि कहते हैं इस रिचुअल्स को। शादी से पहले, हल्दी से पहले ये होता है, फिर उसके बाद लड़के के घर से हल्दी आती है, जैसा सबके होता है नियम, वही है हमारा भी। तो वही हल्दी उसको भी लगा पाएगा। सो देखते हैं कब तक आता है हल्दी, हल्दी कैसे कटती है वो तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर।
शिबू आशुष बोलो कुछ. We are making reels right now. And we sitting for शादी का कुछ rituals चल रहा है इसको मैंने मुझे बुद्धि कहते हैं और हमारी जो फोटो सेशन है वो बहुत ही फ्लॉप चल रही है क्योंकि कोई भी रील्स ठीक से नहीं है. तो चलो हम लोग ट्राई करते रहते हैं, देखते हैं क्या नतीजा आता है. तो यहाँ पे लड़के की घर से हल्दी आ रही है तो इसको हम लोग बंगाली में तत्तो कहते हैं. सो या अभी हल्दी सेरेमनी स्टार्ट होंगी. बहुत ही लेट हो गया है, बहुत ही हैपजर्ड सिचुएशन है यहाँ पे, बट शादी में तो ऐसा थोड़ा बहुत होता ही है. सो नेवर माइंड. तो चलो देखते हैं हल्दी का सेरेमनी कैसे होता है. सिंगल वीडियोग्राफी हो रही है और साथ में मैं भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ. यहाँ पे शूज है टोपोर हाथ में लेके पोज देते हुए एंड पीछे दीपू है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है अभी तक. एक्चुअली धूप बहुत है. पे हम लोग लंच करके अभी घर की तरफ जा रहे हैं, अपने अपने घर की तरफ. वहाँ पे जाके हम रेडी होके फिर इवनिंग में वेन्यू पे जाएंगे. सो दैट्स ऑल. इस तरफ है पीछे, उस तरफ जाएंगे तो मैं मेन रोड से यहाँ पे टोटो या फिर देखते हैं क्या मिलता है लेके घर पहुँच जाऊँ.